आर्ट रूम ये 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 ये। ओ आप लोग आ गए तो वेलकम टू दी आर्ट रूम। और मैं हूँ लालोन और अब करते हैं आइडिया का स्विच ऑन। ओहो बल्ब फ्यूज हो गया। अब इसको लेके इतना नाचोगे तो फ्यूज तो हो ही जाएगा ना। लेकिन ये आर्ट रूम में कभी भी आइडिया का बल्ब फ्यूज नहीं होता। अब इस बल्ब से कुछ करेंगे। इस बल्ब में मुझे पेंगुइन दिख रहा है। आपको दिख रहा है? नहीं दिख रहा है? ठीक है, अभी दिखेगा। इससे हम बनाएंगे पेंगुइन। बल्ब का पेंगुइन। पेंगुइन बनाने के लिए हमें चाहिए कलरफुल थ्रेड, गूगली आईज और चाहिए ग्लास मार्किंग पेंसिल। बल्ब 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 बल्ब। अब हम बनाएंगे बल्ब का पेंगुइन और इसको जो है हम इसके ऊपर रखते हैं। कांच का है ना, ध्यान रखना पड़ेगा। अब इसके ऊपर रख के हम करेंगे ड्राइंग ग्लास मार्कर से। अब ड्रॉ से पहले हमको ये ध्यान रखना है कि ये जो दो पिन हैं ये ऐसे रहे। हम यहाँ पे ड्रॉ करेंगे, ऐसे करके ड्रॉ करेंगे। यहाँ पे उसका सिर बनेगा और यहाँ पे इसका पेट। ऐसे पेंगुइन का पेट ना मेरे जैसा ही है शायद। अब इसके ऊपर लगाएंगे कलर। पेंगुइन के लिए चाहिए ब्लैक कलर, व्हाइट कलर और थोड़ा सा ऑरेंज कलर। अब इसके ऊपर हम सफेद कलर करेंगे। यहां पे होगा इसका मुंह और ये होगा पेट मेरे जैसा। पेंगुइन एकदम मोटे पेट वाले होते हैं इसलिए वो ज्यादा तेज दौड़ नहीं सकते, लेकिन तैरते अच्छे हैं। ये हो गया ऊपर वाला हिस्सा, मुंह और पेट, और बाकी तो वो पहन के रखते हैं जैकेट ब्लैक कलर का। और ये ब्लैक कलर पूरे इसमें लगा देंगे। ये ब्लैक कलर लगाते वक्त ध्यान रखना, नहीं तो सफेद के अंदर घुस जाएगा और फिर पेट ढक जाएगा। इसलिए इसको अच्छे से हल्के हाथ से कलर करना। अब आपको समझ में आ रहा है ये बल्ब का पेंगुइन कैसा दिखेगा? थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है ना? ये हो गया इसका कोट। वाओ, मैं तो टेलर भी हूं। हाँ, इनका कोट सिल दिया। अब इसके ऊपर यहाँ पे भी इसको लगाना पड़ेगा। ये वाह। अब ये करने के बाद इसको हम सूखने रख देते हैं, मतलब ड्राई 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 ड्राई। जब तक ये सूख रहा है तब तक इसके बारे में कुछ बातें सातें कर लेते हैं। पता है जो पेंगुइन होते हैं ना, ये मिलते हैं साउथ पोल और उसके आसपास के एरिया में, लेकिन नॉर्थ पोल में क्यों नहीं मिलते? ओहो, वहाँ पे तो रेनडियर होते हैं, शायद उनके साथ दोस्ती नहीं होती होगी, है ना। और इसके अलावा जो पेंगुइन होते हैं, इनके जो अंडे होते हैं ना, ये अंडे का देखभाल कौन करता है पता है? इनके पापा लोग। मतलब बहुत मेहनत करते हैं इनके पापा। हमारे पापा भी तो मेहनत करते हैं और हमारे लिए लाते हैं अच्छे अच्छे खिलौने और चॉकलेट। चॉकलेट चॉकलेट। हाँ, तो हम जाके देखते हैं कि हमारा ये जो पेंगुइन है ये सूख गया है कि नहीं। तो चलते हैं पेंगुइन के पास। अरे ये तो सूख गया। अब जो है ये सूख जाने के बाद हम इसको लटकाएंगे। हमारे पास ये रस्सी है, इसके ऊपर हम इसको लगा देंगे। ग्लू 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 ग्लू। ये इसके साथ चिपक के रहे, नहीं तो खुल गया तो बल्ब नीचे गिर जाएगा और पेंगुइन फट जाएगा। तो ये जो है अब इस पिन में ऐसे करके फंसाएंगे और इसको इधर लेके आएंगे और वैसे ही इधर से भी। अब इस पिन के यहाँ पे इसको ऐसे करके पकड़ के ये रस्सी को ऐसे मोड़ेंगे और ये जो रस्सी गया है इसके अंदर से इसको डाल देंगे। ऐसे, और फिर इसको खींचेंगे, पहले वाले रस्सी को, ये टाइट होके लग जाए। हो गया। अब फिर इसको वही पिन में लगा के घुमा देंगे और एक बार इसके साथ मोड़ देंगे ऐसे। ये बन गया इसका टांगने वाला हिस्सा, है ना। अब ये मोड़ने के बाद इसको कैंची से काटेंगे और लास्ट वाले हिस्से को इसके साथ ग्लू 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 कर देंगे। ये ग्लू ग्लू कर दिया। अब इसको सुखाएंगे, ड्राई ड्राई। अब ये सूख जाने के बाद हम इसके ऊपर लगाएंगे आंखें। तो हमारे पास है गूगली आईज। ये गूगली आईज आपको मिल जाएंगे स्टेशनरी शॉप में। अगर नहीं मिला तो कोई बात नहीं, मम्मी की जो बिंदी होती है वो भी यूज कर सकते हैं, या कागज काट के आग बना सकते हैं। पहले ग्लू लगाएंगे, ग्लू ग्लू, ये लग गया। इसके ऊपर लगाएंगे गूगली आईज। ये एक लग गया, ये दूसरा लग गया। अब ये आंखें बन गई। मैंने तो इसकी आंखें खोल दी। अब बनाते हैं इसकी बीक। बीक यानी चोंच। हम ऑरेंज कलर लेंगे और इससे एक ऐसे ट्रायंगल बना देंगे। बनाने के बाद पूरा ऑरेंज नहीं करेंगे, थोड़ा सा व्हाइट छोड़ देंगे, क्योंकि इनके बीक जो है वो चमकते हैं लाइट में। बस ये बन गया हमारा पेंगुइन। अब मैं जा रहा हूं पेंगुइन के साथ आइसक्रीम खाने। तब तक आप भी ले लो एक कूल सा ब्रेक। बाय बाय।